फूटो फलो, सदा सुहागिन रहो, खुश रहो, सदा साथ में रहो, एंड वेलकम टू द क्लब। जिंदगी भर बस सॉरी बोलते रहो ताकि ताकि आप हमेशा खुश रह सकें, और हमेशा अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट करो और बोलो कि आप कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं, वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बस ये बोलते रहो, आप जिंदगी भर खुश रहोगे। हमेशा हर वक्त करता हूँ मैं तारीफ उनकी, विदिन से अंदर से निकलती है तारीफ। हर प्रॉमिस फॉलो कर रहा हूँ, मैंने अब तक कोई प्रॉमिस तोड़ी नहीं है। कैमरा में तो बोलना ही पड़ेगा, 500 रुपए दिए थे ना, दे देना जाके, आजकल वैसी कमाई नहीं हो रही है मेरी। 2000 दे दूंगा, तारीफ करूं। आज के दिन के लिए कितनी तैयारी की है, बहुत ही अच्छे कॉस्ट्यूम में आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में, क्या विश करना चाहिए? खुश रहे, आबाद रहे, सुखी रहे, पुतुन है और दूधुन आए पुतु फल। गिफ्ट सरप्राइज है, अब हम बताएंगे नहीं, आप बता चुके हो। पहली चीज जो हमने बताई है वो गिफ्ट ही बताया था वहाँ पे। बोलो। हम क्योंकि दोनों अभी शादी के लिए इतना घूम कर आए हैं तो आई एम श्योर जल्द वो निकल नहीं पाएंगे, तो हमने उन्हें एक हनीमून स्वीट गिफ्ट किया है, सो दैट दोनों शूटिंग के बाद जाएं एंड दे कैन जस्ट रिलैक्स एंड चिल, सो दैट्स व्हाट वी प्लान, और साथ में हम भी उनके साथ वहाँ पार्टी करें। आप दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कौन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है और कौन मतलब ब्रेस्ट सजेस्ट करता है, अगर उस बारे में कुछ कहते हैं? शिल्पा इतनी खूबसूरत है कि इनके साथ कोई भी चलेगा ना वो खूबसूरत, वो ऑटोमेटिकली अच्छा लगने ही लगता है। मैं जो लग रहा हूँ उनका रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मेरे ऊपर शायद पड़ रहा है, इसीलिए मैं आपको अच्छा लगा। अदरवाइज शी इज अ स्टनर एंड ये मैं अनबायस्ड होकर बोल रहा हूँ, मतलब अरे यार दैट वाज द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माय लाइफ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि हम लोग जा नहीं पाए, हम दोनों जा नहीं पाए वहाँ पे, बट आई थिंक वी मेक अप फॉर इट। और यहाँ पर जो है जो थोड़े बहुत हम सेलिब्रेशंस में हिस्सा नहीं बन पाए तो यहाँ पर हम लोग कुछ करेंगे एंड वी विल लेट यू गाइस, यहाँ पे हम पार्टी करा करा के रुला देंगे दोनों को। यस यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यार क्या अब अगला शुक्ला से मैं वैसे खुद टिप्स लेता था। एडवेंचर एंड माउंटेनियरिंग एंड इज वेरी सेंसिबल, वेरी सॉर्टेड गाय, तो आप उनसे कोई भी एडवाइस दे यू विल हैव एन आईडिया इन हैंड एंड विल गिव यू वेरी लॉजिकल सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम यू नो। तो मैं प्रिपेयर नहीं, बट मैं इतना ही चाहता हूँ कि खुश रहें, आप आते हैं सुखी रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अरे बहुत एक्साइटमेंट रहा है पूरी शादी को लेके, पिछले 2-2.5 महीनों से यही चल रहा है, और जब से रूबी का एक्साइटमेंट चालू हुआ डेट फिक्स हुई तब से हमारा भी चालू है और आज फाइनल इवेंट है, रिसेप्शन है, और बॉम्बे के सारे फ्रेंड्स जो वहाँ नहीं आ पाए वो सब आए हैं, सो वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि प्लानिंग चालू हो गई अभी, रात को भी मिलेंगे ना, कहाँ जाना है अभी, कहाँ की टिकट बुक करनी है, वो सब चालू हो जाएगा अभी, ये लोग जाएंगे ना बाहर घूमने लोग। सारी टिप्स देवी जी ने दी हैं, नहीं सारी हमारी जो शादी में हमारी शादी कितनी सिंपल हुआ, 13 साल पहले धर्मशाला में शादी हुई थी, धर्मशाला वो लद्दाख वाली नहीं, मतलब एक छोटे खाने होटल में थी, छोटे शहर में शादी हुई थी हमारी, बट शादियाँ बड़ी सिंपल हुआ करती थी, पैसे भी कम खर्च होते थे, शादी से बहुत कुछ सीखा है, तो अब अगर और किसी को भी शादी करनी है तो वो आ सकते हैं। आपने पूरा रूबी और मैं, उसने मुझे बहुत सिखाया और हमने साथ साथ बहुत कुछ सीखा। अब ये लोगों की शादियाँ करा सकती हैं आराम से, लोकेशन से लेके कपड़ों से लेके खाना क्या होना चाहिए, डेकोरेशन सब कुछ कर सकती हैं, अभी धंधा ही खोल लो एक दूसरा। हम तो गए थे यार, हम तो शिमला गए थे, हम नहीं जाएंगे तो कैसे शादी होगी, ऐसा सवाल पूछा। बस हम गए थे और हमने बहुत 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 मजा किया, वापस आने का मन नहीं कर रहा था, बस कह रहे कि यहाँ पर रिसेप्शन था इसे आना पड़ गया, बट इट वाज ग्रेट फन। हम ब्राइड्स में तो पहले ही जाके जगह वगैरह सब देख के आ गए थे और उसके बाद शादी में गए और जो सब हमने सोचा था वहाँ पर वो सब होते हुए देखा, तो इट वाज अ ब्रिलियंट एंड ऑसम एक्सपीरियंस। क्या मेमोरीज है जो शेयर करना चाहोगे?
मेमोरीज ही मेमोरीज है, हम लोग अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाए। इतना भी रीसेंट है ना, कुछ दिन पहले लौट के आए, मतलब फ्रॉम अ डॉटर हैविंग सो मच फन टू ऑल ऑफ अस, वो रातों को जागना और आप लोगों ने वाइरल कर ही दिया है जो हमारा वीडियो, जो हमने संगीत पे डांस किया, मेहनत करके इतना आप लोगों ने हमारे साथ फिर वो डांस तैयार किया और साथ में किया, तो ऑल दी लाइट चली गई बीच में, तो बहुत सारे और का पता नहीं कहाँ से एक तो कोई तो आ गए थे संगीत में, उन्होंने शूट कर लिया था और अगले दिन हम सब देख रहे थे कि अरे ये कहाँ से किस एंगल में शूट हुआ है। सो एवरीथिंग वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेमोरी एंड रूबी वाज लुकिंग ऑसम, शी वाज ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, या शी वाज लुकिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रीटीएस्ट ब्राइड, सो अभिनव वाज लुकिंग सो गुड टू, सो हैंडसम है ही वो, तो मुझे तक देने वाले खाते लड़का है इंडस्ट्री में, तो और हम लोग भी काफी अच्छे लग रहे थे, तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अभी भी आप लोग काफी अच्छे लग रहे थे, लुक के बारे में बता दीजिए। आइए, उन्होंने खुद ने डिजाइन किया है और सुंदर लग रही है बहुत, और मैं तो कुछ भी पहन लेता हूँ, मैं अच्छा मतलब मैं देख ही लेता हूँ ठीक ठाक, क्योंकि काफ़ी बिजी चल रहे थे तो मैंने फटाफट कुछ शूटिंग के बीच में बहुत, तो शादियों का ही इतना अरेंजमेंट करने में ना मतलब दिक्कतें हैं, और मतलब कपड़े सिलेक्ट करना अपने लिए बहुत मुश्किल, कपड़े सिलेक्ट करना काफी, और मैं तो बहुत ही पिछड़े मतलब बहुत ही पीछे आदमी हूँ कपड़ों के मामले में, जो मिल जाता है पहन लेता हूँ। हाँ, ऐसे तो कल रात को सडनली बोलता है मैं कल पहन के आ रहा हूँ, सो वी आर वन ऑफ दोस एंड यस्टरडे आई डिसाइडेड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, थैंक्स टू माय मॉम एंड डैड, आई वुड लाइक टू थैंक देम टू गिव मी दिस फेस, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। कितने एक्साइटेड है अभिनव के लिए, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि अभिनव शादी नहीं करने वाला, एंड यू ऑल्सो थॉट दैट अंटिल ही मेट रूबीना विच इज़ अमेजिंग, थैंक यू रूबीना फॉर कमिंग इन टू आर लाइव एंड थ्रू अभिनव, एंड यू लुक परफेक्ट टुगेदर, एंड ही इज़ विशिंग यू योर हैप्पीली एवर आफ्टर। या आई विश यू गाइज लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स दैट यू हैव रियली ड्रीम्ड फॉर, एंड आई विश दे ऑल कम ट्रू, और बहुत सारे मजे करो यार, जस्ट बी हैप्पी गाइज, एंड यू आर रियली गुड फ्रेंड्स, जस्ट मेक श्योर दैट द फ्रेंडशिप ओनली गोज थिकर फ्रॉम योर ऑन, गॉड ब्लेस यू गाइज। दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और दुआ करता हूँ हमेशा खुश रहें, साथ रहें, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं, सो हमेशा खुश रहे। बहुत सारे मेमोरीज हैं सेट पर, कई बार हम लोग कुछ सीन्स करते करते हंस पड़ते हैं, और फिर एक बार हंसी छूटती है रुबीना की तो फिर वो नॉन स्टॉप चलती है, तो कई बार हुआ है ऐसा। रुबीना एक्चुअली उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि वो काम भी कर रही थी और साथ ही साथ शादी की प्लानिंग्स भी चल रही थी, सो उस वजह से वो दोनों काम एक साथ कर रही थी, तो उसके लिए थोड़ा सक्सेसफुल था। थैंक यू सर, किसी को याद है तो फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे खुद मेरे बर्थडे के बारे में क्या सेलिब्रेशन होनी है ये नहीं पता था, मेरे लिए सरप्राइज़ था, मेरे फ्रेंड्स ने और फैमिली ने प्लान किया कि भाई चलो आपकी इसको सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि मैं सबको सरप्राइज़ देता हूँ, सो इस बार मुझे सरप्राइज़ मिला, सो बस प्लान बन गया। देखिए ऑब्वियसली हम लोग सब यहाँ थे और रुबीना वहाँ पर थी, पर बैलेंस आउट करना ज़रूरी था क्योंकि हारमोनियम और सौम्या दोनों एक साथ कहीं नहीं जा सकते ना, तो एक इंसान को सेट पे रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और दूसरी शादी करके आ गई वो, देखते हैं अभी अंदर, अभी तो फिलहाल आपने अंदर जाने ही नहीं दिया मुझे। थैंक यू, हाँ 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 आ रहा हूँ। मेरा पुराना दोस्त है, क्लियर कर दो जी, ड्रिंक कप तो पार्टी दे है फॉर यू द सेम फॉर राजू एंड माइकल, हम अपनी पिक्चर को मत, ये मेरा पुराना भाई है भाई। देखिए मेरे छोटे भाई संजय दत्त की लाइफ पर आधारित पिक्चर संजू कल सुबह रिलीज हो रही है, मैंने ट्वीट किया, मैंने वादा किया फर्स्ट डे फर्स्ट शो वो पिक्चर देखने जाऊंगा, फर्स्ट टिकट
अगर संजय दत्त की पिक्चर में जैसे लिखा है वन मैन मैनी लाइफ्स, बहुत सारी लाइफ जो उसने जी हैं उसका मैं एक हिस्सा हूँ, पॉजिटिव हिस्सा हूँ। लोगों का ये कहना है कि जो विक्की कौशल ने उसमें रोल किया है वो मेरे ऊपर आधारित है। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट इवनिंग है क्योंकि कल सुबह ये हो रहा है। उसके साथ साथ मेरे साथ ये जो दो प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स, थिएटर ओनर खड़े हैं, वेव के चेयरमैन राजू चड्ढा जी, जिनकी पिक्चर जो कि संजय दत्त जिसका हीरो है साहेब बेबी एंड गैंगस्टर 3, उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो ये पूरा हफ्ता, अगला पूरा महीना मेरे दोस्त, मेरे भाई संजय दत्त की क्या कहते हैं, संजय दत्त की ग्लोरी में है। क्योंकि आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अहम बात है कि एक लड़का फिल्म कलाकार, एक इतने बढ़िया इतने शानदार पेरेंट्स का बेटा, बच्चा सुनील दत्त साहब, नरगिस दत्त जी उनका बेटा, उसकी जीवनी पर ये फिल्म बनी है और उसके राइट उसी हफ्ते में उसकी दूसरी फिल्म साहेब बीबी एंड गैंगस्टर, जो राजू जी वेव के चेयरमैन, राहुल मित्रा जी जो फिल्म के प्रोड्यूसर, इन्होंने बनाई है। टुनाइट इज एन एक्साइटिंग नाइट एंड टुनाइट इज अ नाइट फॉर माय फ्रेंड एंड माय ब्रदर संजय दत्त। एक भी सवाल पूछा तो मेरे आदमी पकड़ लेंगे तुमको। अबे झींगे। तो आज अब रुबीना और अभिनव की शादी हो चुकी है एंड रुबीना जब मेरी शादी पे आई थी उसने खूब धमाल किया था एंड आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं उसकी शादी पे पागलों की तरह नाचूं। मैं वैसे भी वेट करती हूँ कि कोई शादी करे और मैं नाचूं। इनफैक्ट मैं अपने भाई बहनों को भी ये बोलती रहती हूँ कि यार इस सीज़न में गाने बहुत अच्छे हैं, शादी कर लो। सो आई एम वेरी हैप्पी कि अच्छे सीज़न के गानों में, अच्छे गानों के सीज़न में उन्होंने शादी कर ली। थैंक यू। मैंने एक्चुअली तैयारी तो काफ़ी की थी, मैंने तैयारी की थी 29th के हिसाब से। आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज जब मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करा, मैं तो को आज शाम को 7 बजे पे करा। आई सेड आज कल की रिजर्वेशन, इज लाइक नहीं आज की है। तो मैं घर गई, अपना सूटकेस खोला, ये मॉम ने मुझे साड़ी भेजी थी, आई सेड अब तो यही पहननी पड़ेगी ना, वोर दिस एंड आई केम। तो तैयारी काफ़ी काम नहीं आई। नो टिप्स रियली, आई थिंक रुबीना एंड अभिनव आर इन लव विद ईच अदर और मैं होप और प्रे करती हूँ कि आप हर सुबह जब उठें आप एक दूसरे के साथ और ज़्यादा प्यार में पड़ जाएं, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स ऑफ लाइफ एंड यू नो बीइंग टुगेदर, बीइंग ईच अदर सपोर्ट सिस्टम। इतना ही प्यार बरकरार रखिए, प्यार बढ़ता जाए एंड लॉट्स ऑफ लव एंड गुड विशेस फ्रॉम मी एंड रवि। अरे यार उन्होंने एक्चुअली मेरे घर से बहुत करीब शिमला में शादी करी और फिर भी हम जा नहीं पाए, बट थैंकफुली वी कैन बी हियर फॉर योर रिसेप्शन एंड वी आर रियली सॉरी फॉर द वेडिंग, बट अब अंदर जाके एंजॉय करेंगे। रवि आपके साथ नहीं है, सब लोग मिस कर रहे हैं, क्या कहना? रवि शूट कर रहे हैं सबसे स्मार्ट कॉन के लिए और क्योंकि अब आपने मुझे पूछ लिया इसलिए मैं पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट भी कर देती हूँ। देखिए सबसे स्मार्ट कॉन स्टार प्लस पे शाम को 6:30 बजे। आखिर में कितनी अच्छी पार्टी होने वाली है, क्या विश करना चाहेंगे? पार्टी बहुत अच्छी होने वाली है, अगर इनमें से किसी ने मुझे अंदर जाने दिया जो मैं 45 मिनट से नहीं गई हूँ तो पार्टी और भी अच्छी हो सकती है एंड आई कांट वेट टू बी इनसाइड। थैंक यू। हाय, आप ही पूछते सारे क्वेश्चन। मैं उनको विश करना चाहूँगी वेरी हैप्पी बर्थडे। अब मैरिज है यार, उन्होंने 15 बार बोल चुके, सो ऑब्वियसली विशिंग रुबीना एंड अभिनव अ वेरी वेरी सुपर हैप्पी ब्यूटिफुल मैरिड लाइफ अहेड और उन दे लुक स्टनिंग टुगेदर। आई जस्ट अलग तो नहीं है, प्लीज़ आई एम सॉरी, अभी निया दिखी अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है, आई एम सॉरी। सो दिस अलग ये है दैट यू नो दिस इज नो डिज़ाइनर्स प्लीज, मेरी 10 साल पुरानी स्कूल फ्रेंड, शी हैज़ टर्न इन टू अ डिज़ाइनर एंड शी सेंट मी दिस आउटफिट। सो
मोर देन लुकिंग गुड और एनीथिंग, इट्स अ फीलिंग ऑफ ओवरवेलम, यू नो आई फील वेरी ओवरवेलम दैट जिसके साथ आप टेबल स्कूल में आप एग्जाम्स में चीटिंग करते हैं, यू नो ये सब आप कर रहे हैं. सो शी इज़ अ डिज़ाइनर टुडे एंड शी सेंट मी दैट आउटफिट एंड आई फील वेरी हैप्पी वेयरिंग इट टुडे. शिमला एक्चुअली मुझे जाना था फॉर वेरियस रीजन्स. फर्स्ट टू अटेंड रुबीनाज वेडिंग, सेकेंड टू ऑब्वियसली एक्सप्लोर द पार्ट्स. मैं बचपन में गई थी बट नन ऑफ इट कुड हैपन. बट रुबीना को देख के मुझे ऐसा लगा यार वंस इन अ लाइफ टाइम यू नो यू शुड जस्ट एक्सपीरियंस ऑल दिस बिकॉज शी लुक्ड ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल लाइक अ फेरी शी लुक. सो आई मिस दैट वेडिंग ऑफ कोर्स बट हियर आई एम एंड आई एम हैविंग फन एंड शी इज लुकिंग स्टनिंग टुडे. Forward to dancing because mereko bahut I don't dance very often so I thought I would come here but I'm just looking for my few friends jo mile and then I would just done.